गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर जीके क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर जीके क्लास। टुडे वी विल लर्न अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस इज पेज नंबर 26, चैप्टर नंबर 14, फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी डिफाइंड as those plants which can produce flowers, fruits and seeds. They are completely different from non-flowering plants. They are also called angiosperms. Flowering plants are the largest group within the plant kingdom. There are 260,000 species of flowering plants and about 90% of the species are identified. That means of 260,000 species, there are 10% of flowers which are still not identified out of 260,000. That means 26,000, approximately 26,000 species of flowers are yet to be discovered. Now you can see here, there are two types of plants. The first one is they don't make seeds, and the other one is they make seeds. Okay, now here we will learn about flowering plants. Those are also called as angiosperms. Okay, so we will learn about flowering plants. Now here, as we had read earlier, flowering plants are those plants which produce flowers, fruits and seeds. So here, as you know, फ्रूट एंड सीड एंड फ्लावर, एज यू नो, फ्लावर से ही आपका फ्रूट बनकर आता है. ओके, नाउ लेट अस रीड अबाउट सम फ्लावरिंग प्लांट्स. सो वील रीड अबाउट सम फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके चिल्ड्रन, सो हियर इन दिस चैप्टर फ्लावरिंग प्लांट्स यू विल फाइंड. ओके, द फर्स्ट वन इज द एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स और also termed as hydrophytes or aquatic macrophytes live within the watery environment in the ecosystem. Aquatic plants serve as food and habitat for animals living in the sea and prevents shorelines, ponds and lakes from erosion by providing soil stability. Now children, what does this mean? Aquatic plants are also known as हाइड्रोफाइट्स, यानी इनको हम हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं और एक्वाटिक माइक्रोफाइट्स भी कहते हैं. और ये कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं? ये वाटरी एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी दे आर प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज. ये पानी के अंदर ही पैदा होते हैं. ओके, इन दिस इकोसिस्टम एक्वाटिक प्लांट्स जो है वो सर्व करते हैं एज अ फूड एंड हैबिटेट, यानी ये खाने का भी काम करते हैं, ये घर का भी काम करते हैं फॉर एक्वाटिक एनिमल्स. ठीक है, कुछ एनिमल्स के लिए ये एक्वाटिक प्लांट्स उनका फूड है और कुछ एनिमल्स के लिए उनका घर है. फॉर एन एग्जाम्पल, कोरल रीफ्स. ओके, नाउ दे ऑल्सो हेल्प द वाटर बॉडी ऑल्सो इन अ वे. ये हमारी बहुत तरीके से हेल्प करते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स की हेल्प करते हैं और जो वाटर बॉडी है उसको भी हेल्प करते हैं बाय प्रिवेंटिंग शोर लाइन्स, पॉन्ड्स एंड लेक फ्रॉम इरोजन. यानी वो क्या करता है, वहाँ से जो सॉइल है उसे बहने नहीं देता है और सॉइल को स्टेबिलिटी देता है. ओके, सो एक्वाटिक प्लांट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज दे सर्व एज फूड एंड दे ऑल्सो प्रिजर्व द शोर लाइन्स. ओके, now you can see here the various aquatic plants. Here the first one is lotus, the national flower of India. Then we have water lily, water hyacinth. Then we have water caltro, hydrilla. This is found under the sea. Yes or no? Inside the sea. Then we have hydrilla, water wheel plant, eel grass, water crowfoot, fanwort, marsilia quillwort and giant water lily. You can see there are various types of water plants or aquatic plants. Okay, aquatic plants are normally of three plants. The first one is floating aquatic plants, which floats on the water very easily. Yani ye easily aram se water body mein
फ्लोट होती है. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल वाटर लिली. दिस प्लांट्स आर नॉट अटैच टू द सर्फेस. ओके, दिस प्लांट फ्लोट ऑन द वाटर फ्रीली इज कॉल्ड फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स. दे फ्लोट फ्रीली ऑन द वाटर बिकॉज दे हैव एयर फिल्ड कैविटी इन द लीव्स एंड स्टेम. दीज कैविटीज मेक देम लाइटर एंड हेल्प देम फ्लोट फ्रीली. फॉर एन एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ, वाटर लेटस एंड duckweed etc. Okay, no end. Now look here. There are some plants which float freely in the water body. These are called floating aquatic plants. इनकी जो कैविटी होती है, इनकी जो लीव्स होती है और स्टेम होते हैं, उनके बीच में कैविटी होती है, यानी वो एम्प्टी होता है और ये काफ़ी लाइट होता है. तो ये ईजिली क्या करता है, फ्लोट करता है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लेटस. देन यू हैव फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स. देन यू हैव द फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट. द फर्स्ट पार्ट वाज द फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स, देन द नेक्स्ट इज द फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स. नाउ व्हाट आर फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स? लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एक्वेटिक प्लांट्स. देयर रूट्स आर अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. यानी ये जो प्लांट्स हैं लाइक लोटस एंड वाटर लिली, इनके जो रूट्स हैं वो बॉटम ऑफ द पॉन्ड में होते हैं. एंड दे हैव ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स विच हेल्प देम टू फ्लोट ईजिली इन द वाटर. नाउ सी, हमने जो पहले देखा था जैसे वाटर लेटस या वाटर हाइसिंथ, ये ईजिली फ्लो करती हैं. येस, दे आर फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स. लेकिन सेकेंड जो है वो है फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स. इनके जो रूट्स होते हैं अटैच होते हैं टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. उनके पास ब्रॉड और फ्लैट लीव्स होते हैं. दे ऑल्सो ये फ्लो, दे हैव ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स विच हेल्प देम टू फ्लोट ईजिली ऑन द वाटर सर्फेस एज वेल एज टू गेट इनफ सनलाइट एंड एयर फॉर फोटोसिंथेसिस. ये वाटर बॉडी पे फ्लोट करते रहते हैं सो दैट इनको सनलाइट और एयर मिले टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ओके, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट ओनली ऑन द टॉप सर्फेस ऑफ द लीव्स दैट आर एक्सपोज टू सन. यानी इनके जो लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सिर्फ टॉप पार्ट पर ही होता है जो सन के पास एक्सपोज होता है. देन वी हैव अंडर वाटर एक्वेटिक प्लांट. ओके, दीज प्लांट्स ग्रो एंटायरली अंडर वाटर सच एज हाइड्रिला एंड टेप ग्रास. They have a very flexible stem. These plants increase the level of oxygen in water and reduce the level of carbon dioxide. Now see children, these types of plants which grow under water are very important. Why? Because ये जो plant है ये oxygen level बढ़ाते हैं पानी में और carbon dioxide का level जो है reduce करते हैं. So these plants make water suitable for other aquatic animals and help in getting enough of oxygen. So which is why this is very important. Okay, so the example for underwater aquatic plants is hydrilla plant. Okay, I hope you have understood this. You can see here these are various types of aquatic plants which grow inside the water, above the water, or which are free floating, or some are fixed aquatic plants. Okay, now children, the next plant is antelope bush. Okay, now antelope bush, the shrub that is moderate to very deep rooted with wide ecotypic variations. It is normally 2 to 6 feet in height and up to 8 feet in width with a wedge shaped 3-lobed leaves. You can look here, the leaves is wedge shaped and 3-lobed. Some plants have branches near the soil. Flowers bloom in late spring or early summer. So this is antelope bush children. Now,
These plants are very deep rooted and they are normally 2 to 6 feet in height. Okay, they can grow up to 8 feet in width. यानी इनकी जो चौड़ाई है वो 8 फीट तक हो सकती है एंड लंबाई जो है 2 से 6 फीट में होती है. ओके, दे आर ऑल्सो नोन एज बक ब्रुश, बिटर बुश, डियर बुश और ब्लैक सेज. दीज बुश आर नेटिव टू, सी हियर यू कैन लुक, नेटिव टू अमेरिका. ओके, वेस्टर्न नेटिव अमेरिकन ग्रुप used this leaf to wash for itches, rashes, insect bite, chicken pox and measles. Okay, so western native american groups use this plant's leaf to remove to wash the insect bite, chicken pox, measles. Okay, the leaf tea was used as a general tonic for cold, pneumonia, liver disease, to expel worm. Okay, so this leaf, people used to make tea of this leaf to get rid of cold, pneumonia, liver disease and also to expel worms. Okay, twig, leaves and berries were used as laxative. Root teas were used for cough, lung and bronchial infection, fever and to facilitate the delivery of placenta. Okay, so this plant has a history of medicinal use. Okay, this is antelope bush. Now you can see here its height and its width, because this plant has lot of width also and height also. Okay, here see, this is antelope bush. Again we'll read about it. The shrub that is moderate to deep to very deep rooted and wide ecotypic variation. It is normally 2 to 6 feet in height and up to 8 feet in width. You can look here, with a wedge shaped and 3 lobed leaves. You can look here its leaves. The leaves can vary in color from gray green to bright green. Some plants have branches near the soil. Flowers bloom in late spring and early summer. Okay. Now children, we will go to the next plant, that is a beautiful yellow flower, which is aconite. Okay. So now aconite are the one of the first bulb flowers to bloom in the spring, and this one are the one of the first flowers that bloom in spring. यानी सबसे पहले खिलने वालों में से फूल हैं जो spring के वक्त खिलते हैं, and are known for their cheerful yellow color. As you can see, they have a bright yellow color. They are also known for this cheerful yellow color. Okay, and these are the plants of the buttercup family. Okay, so winter aconite are the plants of buttercup family, and these flowers are native to temperate regions of Europe. Okay, and they are widely planted for their early spring flowers. As I've told you before also, these flowers are the first flowers to bloom in spring, so which is why they are planted, so that we come to know that spring is coming. Now these flowers contain 5 to 8 petals, as you can see, and they have tuberous root. Okay, these species grow up to 20 centimeters, that is 8 inch tall, and has flowers of 2.5 centimeters. Okay, so these are aconite. Okay children, now the next flower is ageratum. And you can see a beautiful flower. This is ageratum. Ageratum, it comes in blue, pink and white blooms. So it means this flower you can find in 3 different colors, that is blue, pink and white. Now children,
The taller varieties are best for cutting and displaying in your homes. Okay, so they have taller variety as well as the dwarf, you know, the smaller plant also. Okay, so you can find a taller version also and a dwarf version also, more or less like a bonsai plant. Okay, so the taller ones you can use for display at your home, that can be used as decoration. As you can see, this is a beautiful flower. While the dwarf bedding varieties are best kept in garden, means see, these are the smaller plants which can be kept in garden for show purpose. As you can see, this is a beautiful flower. Okay, so Ageratum is a genus of 40 to 60 tropical and warm temperate flowering annuals. Okay, these species are native to Central America and Mexico. Okay, but there are some species of this flower which are native to United States. Okay, so this is Ageratum, which are native to Central America, Mexico and United States. Now, this plant can be grown from late spring to early summer. Okay, as you can see, how will you grow this? It needs, at least you have to sow these seeds for 8 to 10 weeks. Okay, then these seeds can be sown directly outdoors. Okay, however, this plant, even if you sow the seeds, it will not bloom soon. It will bloom until late summer or fall. Okay, these plants will not strive, or this plant will not grow if it is very cold. Okay, so these plants normally grow when they have enough of sunlight. Okay, as you can see, Ageratum, first we had seen the plant in blue color, then we have white in white, and then see, and the next one is in pink color. This one is the dwarf variety. The one in pink, now you have seen the blue variety, then in white, and then in pink. These are Ageratum. Okay, children. Now the next plant is the basket of gold. Okay. Now, basket of gold. This plant is the basket of gold. As you can see, this plant is a bright yellow in color. Okay. This plant is an ornamental plant. That means it is used for decoration, which is native to Asia and Europe. Okay, with bright yellow and low growing flowers, no wonder where the basket of gold got its name. Why this name has been given to this flower? Because it is low growing and it has very bright yellow color. Okay, given its short height and the golden color, this makes a perfect addition to rock garden or a xeriscape. Okay, children. Now, children, what is a xeriscape? Xeriscape is a process of landscaping or gardening that reduces or eliminates the need of irrigation. That means, इस तरह हम land को इस तरह से design करते हैं, so that वो जो dry areas हैं, उनको अच्छे से utilize कर लेते हैं हम, और उसके साथ उसको अच्छे से landscape करके या garden create करते हैं, जिससे पानी की ज़रूरत कम से कम हो और greenery भी हो सके. Okay, so this is Which flower is this? This is the basket of gold. Okay, children. Basket of gold is also called golden tuft asylum. Okay, this plant belongs to the mustard family. This plant belongs to the mustard family. Basket of gold is native to sunny areas of Central and Southern Europe.
usually growing in thin rocky soil. It forms a dense evergreen mat low to the ground and it is often planted in rock garden. As you know, हमने पहले ही पढ़ा था करके it is the perfect addition to rock garden. Why? Because these plants grow in thin rocky soils and these plants are native to central and southern Europe. So these, today we learnt about various flowering plants. Those were the aquatic plants, the antelope bush, the aconite, the eregetum and the basket of gold, children. This is chapter number 14, page number 26. Now children, today we learn one more chapter, that is chapter number 15, when the plants turn dead. Okay, when the plants turn deadly. Plants play very important role in our lives. They provide us with food, shelter and air to breathe. But there are some plants that are not safe to eat or even touch. Means plants हमारे लिए बहुत important है. वो हमें food देते हैं. Yes or no? Yes, they provide us food, shelter and air to breathe. But there are some plants which are very dangerous, okay, and we should not eat them or we should not touch them. The first plant, if you see, the first picture is of mushroom. Now let us see what information has been given to us. It is a highly poisonous mushroom. It is responsible for almost 90% of death from eating fungi. Its poison causes severe diarrhea and vomiting. I'll repeat it again. It is highly poisonous mushroom and it is responsible for almost 90% of the death from eating fungi. Its poison causes severe diarrhea and vomiting. Now see children, the picture which you are looking or which you are seeing on your screen is the picture of a very dangerous or a poisonous mushroom. Okay, this mushroom is known as the death cap. Okay, so you will write there death cap, and this mushroom you should be very careful. You should not touch it or you should not eat it, because this mushroom will cause you severe diarrhea or vomiting. यानी इससे आपको बहुत सारी problem हो सकती है, आपको उल्टियाँ हो सकती हैं. Now how will you identify this mushroom? Okay, now children, how will you find such mushroom? These mushrooms are normally seen in temperate forest. That means in temperate forest, जहाँ पर मतलब जैसे यूरोप में, यूरोपियन फॉरेस्ट में आपको ये सब दिख जाएगा, या फिर आपको नॉर्थ अफ्रीका रीजन में भी ये दिख सकता है. यानी जहाँ पर भी टेम्परेट फॉरेस्ट है, यहाँ या जहाँ पर भी ओक ट्रीज होती हैं, वहाँ पर नॉर्मली आपको ये वाले मशरूम्स आपको दिखने मिल जाएंगे. नाउ हाउ विल यू आइडेंटिफाई? नाउ व्हेन यू सी अ मशरूम, लुक फॉर अ ग्रीन और अ येलो टिंट टू द मशरूम्स वाइट कैप. यानी वाइट जो ऊपर का जो वाइट कैप है, नाउ लुक हियर. नाउ सी, व्हेन यू लुक हियर यू हैव टू लुक एट द कैप, एंड इफ यू सी अ ग्रीन और अ येलो टिंट, यानी हल्का सा आपको अगर ऑलिव ग्रीन कलर का या येलो कलर का उसमें मार्क दिखा, तो आप ये मशरूम आप नहीं खाएंगे. आप हमेशा प्योर वाइट मशरूम ही देखेंगे. अगर उस मशरूम पे, उस कैप पे अगर आपको ग्रीन या येलो टिंट या हल्का सा भी ग्रीन या येलो टिंट दिखता है, तो आप वो मशरूम नहीं खाएंगे. ओके, तो ये सबसे पहला तरीका है चेक करने का. ओके, नाउ सी, टेक अ क्लोज लुक एट द कैप ऑफ द मशरूम. द कलर ऑफ द डेथ कैप मशरूम कैन वेरी बेस्ड ऑन इट्स ग्रोइंग कंडीशन. इन जनरल दो द कैप्स आर ऑफ वाइट एंड कैन हैव टिंट्स ऑफ ऑलिव ग्रीन, पेल ग्रीन और येलो. वेरी ओल्ड मशरूम कैप्स कैन बिकम ऑलमोस्ट brown. The caps of mature mushrooms are often have 1 to 2 large cracks running across them.
सो यू शुड ऑलवेज टेक केयर कि अगर उस तरह का टेंट अगर आपको दिख रहा है तो आप वो मशरूम नहीं हाथ लगाएंगे. द नेक्स्ट वे टू आइडेंटिफाई इज टू मेजर द कैप्स डायमीटर टू सी इफ इट फॉल्स बिटवीन 7.6 यानी 7.5 सेंटीमीटर टू 15.2 सेंटीमीटर. इंचेस में देखें तो 3 टू 6 इंचेस, अगर सेंटीमीटर में हम देखें तो 7.5 सेंटीमीटर से लेके अगर 12 सेंटीमीटर का डायमीटर है उस मशरूम के कैप का तो आप उस मशरूम को टच नहीं करेंगे. ठीक है, मेजर द कैप व्हाइल इट इज ग्रोइंग इन द ग्राउंड विदाउट अपरूटिंग इट सो दैट यू डोंट किल द प्लांट. It's safe to touch the mushroom directly without gloves. The mushroom toxins can only harm you if you ingest them. So, यानी आप मशरूम्स को ईजिली टच कर सकते हो, जब आप खाते हो तो ही वो जो टॉक्सिन है वो असर करेगा, इसीलिए आप उसे ईजिली टच कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे जाके टच करेंगे. ओके, द नेक्स्ट मेथड टू आइडेंटिफाई द मशरूम इज to check for many crowded or white gills under the cap. The death cap mushroom displays thin white gills. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये. So flip the mushroom's cap upside down and take a look on the underside of gills. These fine gills are densely crowded together near the outer edge of the mushroom's cap, which are finely attached to the स्टेम. ओके, सो अगर आप देख रहे हो कि जो इनके गिल्स है वो बहुत सारी है तो आपको पता चल जाएगा कि ये डेथ कैप मशरूम है और आपको इसे नहीं खाना. ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड टू चेक दिस मशरूम इज टू आइडेंटिफाई टू इंस्पेक्ट द इमेच्योर डेथ कैप मशरूम फॉर अ वेरी राउंडेड कैप. यानी अब मशरूम जो ग्रो होगा वो अकेला तो ग्रो होगा नहीं, उसके आसपास अगर एक और मशरूम है तो आप वो छोटे वाले मशरूम को देखोगे और उसका अगर बहुत ही राउंडेड कैप है. सी इन यंग मशरूम यू कैन ऑब्जर्व अ वेरी राउंडेड बाउल शेप्ड कैप्स. दीज कैप्स आर समटाइम्स सो राउंडेड दैट दे कर्व अराउंड एंड नियरली टच द स्टॉक ऑफ मशरूम. हाउएवर As the mushroom age and reach the maturity, this convex shape flatten out. यानी ये धीरे धीरे इस तरह में बन जाते हैं. ठीक है, If you notice the cap is nearly flat, you are dealing with a mature death cap. Okay? So now you know children, if you see this mushroom, you will नॉट ईट इट. अगर वो बड़ा मशरूम है या वो मशरूम के ऊपर हल्का सा येल्लो या फिर ग्रीन टिंट है और ब्राउन कलर का होगा जो मैच्योर होता है वो भी. ओके, सो दीज टाइप्स ऑफ मशरूम आर पॉइजनस. नाउ द नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट प्लांट. इट इज ऑल्सो नोन एज द लेडी ग्लव. सिम्टम ऑफ इट्स पॉइजनिंग इंक्लूड्स लो पल्स रेट, नोसिया, वॉमिटिंग एंड द कार्डियक अरेस्ट. ओके, सो ये इस फ्लावर को हम क्या कहते हैं, इस प्लांट को हम क्या कहते हैं, पर्पल फॉक्स ग्लव. इसका द सेकेंड नाम क्या है, लेडी ग्लव. और अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो हमें लो पल्स रेट होता है, नोसिया होता है, वॉमिटिंग होता है और कार्डियक अरेस्ट होता है. ओके, दीज प्लांट्स आर नेटिव टू टेम्परेट यूरोप और ये आपको अमेरिका में भी देखने मिल जाएंगे. ओके, सो ये जो प्लांट है दिस हैज पर्पल फ्लावर, जहाँ से आप यहाँ पर इसे देख ही सकते हैं. तो ये जो प्लांट है ये भी पॉइजनस है. ये सुनो चिल्ड्रन, यस इट इज़ वेरी पॉइजनस. और इसके जो लीव्स हैं, फ्लावर हैं, सीड्स हैं, इस प्लांट के सारे पॉइजनस हैं टू एनिमल्स को भी एंड ह्यूमंस को भी. ह्यूमंस को तो पॉइजनस है ही है, लेकिन कुछ एनिमल्स को ये पॉइजनस नहीं भी है, लेकिन मोर और लेस ह्यूमंस को ये इसके क्या क्या पॉइजनस है, लीव, फ्लावर एंड सीड. इस प्लांट के फ्लावर, लीव्स और सीड तीनों ही पॉइजनस है टू ह्यूमन. ओके, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस फ्लावर. दिस इज द लेडी ग्लव एंड यू विल राइट इट डाउन. द सेकेंड पिक्चर इज ऑफ
purple fox glove. So earlier we had learnt about death cap, how to identify death cap, and the second picture is of purple fox glove. Okay, so we will stop here for today, children, and then we will continue this in next class. Thank you, children. Have a nice day.